आज की डिफेंस न्यूज में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। 22 जनवरी के लिए अयोध्या में तैनात किया जा रहा है हाई सिक्योरिटी सिस्टम। इंडियन आर्मी ने विकसित किए नया AI इनबिल्ट लैंडमाइन सिस्टम। इंडियन नेवी को मिला मंजूरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी की रडार सिस्टम को स्थापित करने के लिए। इंडियन नेवी एक्वायर किया दृष्टि 10 UAV। GE एरोस्पेस की प्रेसिडेंट ने बताए जेट इंजन वाले डील के करंट अपडेट्स। हर किसी को इस बात का अच्छे तरह से जानकारी होंगे कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इस ग्रैंड सेरेमनी में कई सारे VVIP गेस्ट आने वाले हैं, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े समारोह के लिए सिक्योरिटी के मजबूत इंतजाम भी किया गया है। तो इन्हीं सिक्योरिटी इंतजाम को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट देखने को मिली है, जिनमें बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स है, तो श्रीराम मंदिर सुरक्षा की फुल इंचार्ज होगी और सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने के लिए सेंट्रल और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी मिलिटरी इंटेलिजेंस भी हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा किसी भी अनऑथराइज व्हीकल की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए बूम बैरियर, जिन्हें टायर किलर भी कहा जाता है, तो उन्हें भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन जैसे थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक पावरफुल एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तैनात किया जाएगा और ऐसे करने के साथ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने वाली UP पुलिस भारत की पहली स्टेट पुलिस फोर्स बनेगी और सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए करीब 1500 पब्लिक CCTV कैमरा के साथ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी तैनात किया गया है और कई सारे मेजर लोकेशन पर फेस डिटेक्टर AI इनबिल्ट कैमरा भी लगाया गया है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर जिनका नाम है मेजर राज प्रसाद, तो उन्होंने एक नई टाइप की AI एनेबल्ड ह्यूमन इन लूप लैंडमाइन सिस्टम को विकसित किए हैं और ANI के साथ बातचीत में अपनी सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये बहुत ही खास सिस्टम है जो कि अपने ही ट्रूप्स इंटरवेंशन से ही एक्टिवेट होगा और किसी ऐसा सिचुएशन में जब हम दुश्मन के क्षेत्रों की तरह मार्च कर रहे हैं तो ऐसे में माइन फील्ड को क्रॉस करते समय हमारे सोल्जर्स की जानों को भी बचाएगा और दुनिया भर की फोर्सेस पुराने टाइप की लैंड माइन को हटाने के लिए इसी तरह की टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल कर रही है। इंडियन नेवी को तेलंगाना के पदुर मंडल में वेरी लो फ्रीक्वेंसी की रडार सिस्टम को स्थापित करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है और अभी इस रडार सिस्टम का जो कार्य है वो फरवरी के बाद शुरू होने की ज्यादातर उम्मीद है। इंडियन नेवी की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट से वेरी लो फ्रीक्वेंसी के रडार स्टेशन को स्थापित करने के लिए 2730 एकड़ तक की जमीन अलर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी और ये प्रोसेस शुरू हुई थी लगभग 2008 में और अब जाके तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से इस रडार सिस्टम को स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। करीब इंडियन नेवी को 15 साल तक वेट करना पड़ा इस मंजूरी के लिए और ऑफिसर्स के मुताबिक यहाँ पर वेरी लो फ्रीक्वेंसी की रडार सिस्टम को स्थापित करना रणनीतिक ग्रुप से काफी इम्पोर्टेंट स्टेप है। इंडियन नेवी को भारत में बनाया गया पहला एडवांस मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस यानी कि मेल UAV मिल चुका है। इस UAV का नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर और उससे अदानी डिफेंस एरोस्पेस और इजराइल फॉर्म एलविड सिस्टम की पार्टनरशिप के साथ हैदराबाद में बनाया गया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की 10 महीने के अंदर अब पहला ड्रोन इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों ही इस UAV की दो दो यूनिट्स लेने वाले हैं और शुरुआत इंडियन नेवी से हो रही है। दृष्टि 10 UAV की कुछ खास फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एक एडवांस इंटेलिजेंस सर्विलेंस प्लेटफॉर्म है जो कि 36 घंटे की एंड्योरेंस टाइम के साथ आता है। 450 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी है। मैक्सिमम स्पीड है 220 किलोमीटर पर आवर। ये मैक्सिमम 30,000 फीट ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस UAV में 70% से अधिक स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है और ये परसेंटेज आगे जाके बढ़ सकती है। US फर्म GE एरोस्पेस के प्रेसिडेंट की तरफ से बताया गया है कि भारत और अमेरिका की जो जेट इंजन वाली डील है तो उसकी प्रोग्रेस ऑन टाइम चल रहा है और इसी साल की शुरुआत में इन इंजन के लिए HL के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करने वाले एक डिजिटल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस HL के साथ शेयर किया जाएगा और GE एरोस्पेस HL के साथ मिलकर कॉम्बेट और मारिन दोनों ही तरह की इंजन को कंसिडर कर रहा है। बाकी भारत में इंजन का प्रोडक्शन कब तक स्टार्ट होगा तो ये डिपेंड करता है इंडियन एयरफोर्स और DRDO रिक्वायरमेंट पर, लेकिन योजना तो यही है कि 3 साल के अंदर इंजन के डिलीवरी शुरू की जाएगी। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।